हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट आर्या। आज हम प्लान देखेंगे 15 फीट बाय 15 फीट का, यानी आज हम घर का नक्शा देखेंगे जिसका लेंथ हमारा 15 फीट का है और जो ब्रेथ है हमारा वो भी 15 फीट का है। तो बेसिकली ये जो हमारा प्लान है ये कॉर्नर हाउस प्लान है, यानी फ्रंट में हमारा रोड आएगा और यहाँ पे राइट साइड में रोड आएगा और वेंटिलेशन हमको दो साइड से मिलेगा, एक सामने फ्रंट से मिलेगा और एक राइट साइड से मिलेगा। और बाकी जो दो साइड हमारे पीछे और लेफ्ट साइड, वो दोनों साइड हमारे क्लोज आएंगे, दोनों साइड हमारे घर आएंगे। तो गाइज आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आएगा। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इसका प्रॉपर मेजरमेंट वाला वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई टैब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी जाके देख लीजिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आ जाएगा। तो गाइज मैं आपको पहले ग्राउंड फ्लोर समझाऊंगा, इसके बाद मैं आपको फर्स्ट फ्लोर समझा दूंगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एंट्रेंस इस 15 फीट के साइड से है, तो एंटर करते ही हमारा शॉप आता है। तो आप देख सकते हैं ये शटर लगा है, ये हमारा शॉप एरिया है। तो इस शटर से हम एंटर करते हैं शॉप के अंदर। तो जो हमारी दुकान है वो उसका जो है वो एल शेप में है, हमारी दुकान वो एल शेप में है। तो बेसिकली लास्ट में आपको 13 से 14 फीट का विड्थ मिलेगा और ये जो लेंथ है इसका 7 फीट का है। ओके, तो आपको इतनी स्पेस आपको शॉप में मिलेगी। आप यहाँ पे जैसे कि मैंने लकड़ी का कबर्ड लगाया है, आप ऐसे पूरा दुकान में कवरिंग कबर्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे आप काउंटर लगा सकते हैं। ओके, शॉप के बाजू में हमारी जो स्पेस है ये, इससे हमारी स्टेयर्स गई है सीढ़ियां, यहाँ से हमारे जाएंगे स्टेयर्स ऊपर और यहाँ से टर्न होके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। तो ग्राउंड फ्लोर में बेसिकली हमारा इतना ही है। इसके बाद मैं आपको फर्स्ट फ्लोर दिखा देता हूँ। फर्स्ट फ्लोर में हमने बनाया है 1 BHK। तो अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर में जो स्टेयर्स है हमारी सीढ़ियां, इससे हम यहाँ पे ऊपर आते हैं तो हमारा ये 3 फीट का पैसेज आता है। तो गाइस मैं आपको पहले बता दूं कि जो ग्राउंड फ्लोर में हमारा 15 फीट बाय 15 फीट का है, पर जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसमें 18 फीट बाय 18 फीट का है, क्योंकि हमारा ये कॉर्नर हाउस प्लान है। तो हमने यहाँ पे 3 फीट स्लैब एक्सटेंड किया, आपको दिख रहा होगा ये जो हमारा इनर है यहाँ से 3 फीट स्लैब हमने बाहर निकाला है और जो इस साइड है यहाँ पे भी हमने 3 फीट स्लैब बाहर निकाला है। तो बेसिकली ये जो हमारा लीगल होता है, आप इतना स्लैब बाहर निकाल सकते हैं और लीगल भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद जो हम पैसेज में आ चुके हैं, पैसेज के आप देख सकते हैं यहाँ पे डोर लगा है, इससे इस डोर से हम एंटर करते हैं हॉल के अंदर। तो बेसिकली इतना एरिया हमको हॉल के लिए मिलेगा। हॉल के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो प्रोवाइडेड है, आप यहाँ पे 3 फीट से 4 फीट का विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये विंडो हमारा फ्रंट साइड ओपन होता है। ओके, हॉल के अंदर आप यहाँ पे एक सिंगल बेड लगा सकते हैं, इस वॉल पे ऐसे स्ट्रेट या एल शेप में सोफा लगा सकते हैं। टीवी यूनिट रखना है तो आप इस वॉल पे सामने टीवी यूनिट यहाँ पे रख दीजिए। हॉल के हम आगे जाए तो 2 फीट 6 इंच का पैसेज दिया है, इससे हम एंटर करते हैं किचन एरिया के अंदर। तो बेसिकली इतना एरिया हमारा किचन का आएगा। ओके, आप देख सकते हैं इतना एरिया हमारा किचन का आएगा। किचन में आप यहाँ पे स्ट्रेट प्लेटफॉर्म या ऐसे एल शेप में प्लेटफॉर्म लगा सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे मॉड्यूलर किचन बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे मॉड्यूलर किचन बनाया नहीं है, पर आपको यहाँ पे चिमनी लगा के वेंटिलेशन मिलेगा। ओके, किचन के अंदर आप यहाँ पे गैस रख सकते हैं, वॉश बेसिन यहाँ रख सकते हैं, और अगर आपको फ्रिज रखना है तो आप यहाँ पे फ्रिज रख दीजिए, और यहाँ पे अगर स्पेस मिले आप वॉशिंग मशीन भी यहाँ पे रख दीजिए। इसके बाद किचन के कॉर्नर में डोर दिया हमारा ये 2 फीट 6 इंच का, इससे हम एंटर करते हैं बेडरूम के अंदर। तो बेसिकली इतना एरिया हमारा बेडरूम का, इतना एरिया है कि आप यहाँ पे डबल बेड एक रख सकते हैं और इस वॉल पे आप एक कबर्ड भी रख सकते हैं। और बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे इस साइड राइट साइड यहाँ पे विंडो प्रोवाइडेड है हमारा, आप यहाँ पे 3 फीट से 4 फीट का विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा यहाँ पे राइट साइड में ओपन होता है। तो हमारा हॉल, किचन और बेडरूम कंप्लीट हो गया है। अब हमारा बचा है WC+ बाथ एरिया। तो हॉल के सामने ये पैसेज एरिया के सामने हमारा ये 2 फीट 6 इंच का डोर है, इससे हम एंटर करते हैं WC+ बाथ एरिया। बेसिकली जो हमारा प्लॉट एरिया है बहुत कम है, इसलिए हम WC+ बाथ अटैच्ड बना रहे हैं। तो इसे एंटर करते हैं तो हमारा कॉर्नर में WC आ जाएगा, टॉयलेट एरिया आ जाएगा और जो इतनी स्पेस हमको बाथरूम के लिए मिलेगी। ओके, और इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो प्रोवाइडेड है, ये विंडो बेसिकली हमारा यहाँ राइट साइड में ओपन होता है। तो गाइज जो हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान है वो भी कम्प्लीट हो गया है।
गाइस अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, ये 3D मॉडल अच्छा लगा हो, एलिवेशन डिजाइन अच्छा लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको भी आपके प्लान बनवाना हो तो प्लीज नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।